classless routing protocol to send the subnet mask with the error updates. तो फिर हम जो कहते हैं कि हमने जो सबनेटिंग की हुई है एनवायरनमेंट में टोपोलॉजी में, कहीं पे 24 का प्रीफिक्स है, कहीं पे 16 का प्रीफिक्स है, कहीं पे 26 का प्रीफिक्स है, कहीं पे 28 का प्रीफिक्स है, तो फिर वो फिक्स प्रीफिक्स नहीं है. तो उसको हमने कहा था कि ये वेरिएबल लेंथ सबनेटिंग है. तो VLSM की सपोर्ट जो है उसी एनवायरनमेंट में होगी जहां पर क्लास लेस राउटिंग प्रोटोकॉल कन्फिगर होगा. अगर उस एनवायरनमेंट में क्लास लेस राउटिंग प्रोटोकॉल कन्फिगर है, सबनेटिंग तो आपने की हुई है, लेकिन उस सबनेटिंग की सपोर्ट उस प्रोटोकॉल में नहीं होगी, क्योंकि वो तो हमेशा जो है वो ऐड कर रहा है इनडायरेक्टली कनेक्टेड जितने भी नेटवर्क्स हैं उनको जो है वो लॉजिकल एंड ऑपरेशन जो परफॉर्म कर रहा है वो उसके डिफॉल्ट मास्क के साथ कर रहा है. डजंट मैटर क्लास ए की आई पी और वो 28 के साथ सबनेटेड है, वो तो हमेशा क्लास ए की आई पी को 8 के साथ करेगा, बी को 16 के साथ करेगा, सी को 24 के साथ करेगा. तो VLSM की सपोर्ट जो है वो क्लास लेस एनवायरमेंट में होगी, क्लास फुल में नहीं होगी. तो रिपर्जन 1 और IGRP हमने जो है वो पढ़ने हैं, जो कि क्लास फुल राउटिंग प्रोटोकॉल है. और उसके बाद रिपर्जन 2, EIGRP, OSPF और ISIS, ये सारे प्रोटोकॉल्स हैं वो क्लासलेस राउटिंग प्रोटोकॉल है. इन तमाम में जो डेटा पैकेट मूव कर रहा होगा तो उसमें उसका मास्क भी अटैच होगा. हमारे कोर्स में रिपर्जन 2 भी है, EIGRP भी पढ़ेंगे, OSPF भी पढ़ेंगे, लेकिन ISIS हमारे कोर्स आउटलाइन में नहीं है, लेकिन ये वैसे जो है वो क्लासलेस राउटिंग प्रोटोकॉल. रिपर्जन 1 इज अ डिस्टेंस वेक्टर राउटिंग प्रोटोकॉल, जो कि शुरू में हमने बताया था कि ये डिस्टेंस वेक्टर का प्रोटोकॉल है. रिपर्जन 1 कैन परफॉर्म इक्वल कॉस्ट लोड बैलेंसिंग. हमने इक्वल कॉस्ट लोड बैलेंसिंग स्टैटिक राउटिंग में भी की. शाहरुख शब्बीर, यस सर. हमने जो है वो इक्वल कॉस्ट लोड बैलेंसिंग हमने जो है रिपर्जन 1 में किया था. कैसे किया था? स्टैटिक राउटिंग में किया था. जी सर, उसमें हमने जो लोड था वो इक्वल ही रखा था. जब हम स्टैटिक पूरा उसके जो रूट कॉन्फ़िगर कर रहे थे तो लास्ट में हम जो AD जो था उसमें हमने दोनों का सेम रखा था. ठीक है, आप अगर मुझे अनइक्वल करना है स्टैटिक में तो फिर? तो अनइक्वल करना है तो आपने दोनों को चेंज रखना होगा. मतलब एक में 1 एक में 5 चलेगा? जी रख सकते हैं. जी बिल्कुल. ठीक है, और अगर मुझे फ्लोटिंग करनी है तो फिर? सर फ्लोटिंग करना है तो उसमें रूट 2 जा रहे होंगे तो उसमें भी हम मतलब फ्लोटिंग में अगर इक्वल करना है या अनइक्वल फ्लोटिंग करनी है, अब ये तो आप मुझे बताएंगे. नहीं देखें, फ्लोटिंग रूट जो होता है वो तो ये होता है कि आपके 2 रूट जा रहे हैं एक ही नेटवर्क पे, किसी भी रूट नेटवर्क पे आपने जाना तो उसके 2 रूट जा, तो आप दोनों के पे अलग अलग भी दे सकते हैं और सेम भी दे सकते हैं. अगर सेम देंगे तो इक्वल रूट होगा तो, और अनइक्वल देंगे तो फिर अनइक्वल हो जाएगा, मतलब AD आप डिफरेंट देंगे तो. ये जो आप बता रहे हैं मुझे इक्वल और अनइक्वल, ये फ्लोटिंग की 2 टाइप्स हैं सर. ये इक्वल लोड बैलेंसिंग पढ़ाया था, फ्लोटिंग तो अलग है ना. हाँ, तो पहले आपने जवाब दिया इक्वल का, फिर मैंने पूछा अनइक्वल का, तो अनइक्वल में आपने AD 1 और 5 कर दिया तो ये अनइक्वल हो गया. ठीक है, तो अब मुझे अगर फ्लोटिंग करनी है तो फ्लोटिंग का कोड क्या लिखूंगा सर? फ्लोटिंग करनी है तो फ्लोटिंग में तो सर रूट 1 से ज्यादा रूट होते हैं ना. इक्वल में कितने रूट होते हैं? इक्वल में तो आप इक्वल में भी आप कह सकते हैं कि रूट 2 ही हो सकते हैं. सही है, जितने रूट हो आप. जी जी, मिनिमम मतलब 2 होंगे तभी आप उसको मतलब एक
लिंक अगर ब्रेक भी हो जाए तो दूसरे रूट से आप भेज सकते हैं ना। तो फ्लोटिंग में भी तो ऐसा ही होता है ना? जी जी फ्लोटिंग में भी यही होता है जी बिल्कुल। हाँ तो फिर आप मुझे कह रहे हैं ना कि फ्लोटिंग में तो दो रूट एक से ज्यादा रूट होंगे ना, तो फिर उस पे जोर ना डाले ना। इक्वल का इक्वल की टोपोलॉजी और फ्लोटिंग की टोपोलॉजी और अनइक्वल की टोपोलॉजी जी जी वही होगी ना कि जो है एक से ज्यादा रूट होंगे। जी जी बिल्कुल। अब दोबारा से स्टार्ट करते हैं। इक्वल लोड बैलेंसिंग की जो है वो कोड आपने कहा एडी बराबर कर दिया। जी जी। अनइक्वल का कोड क्या होगा? अनइक्वल में एडी डिफरेंट करना होगा। फ्लोटिंग में क्या करेंगे? जी फ्लोटिंग में क्या करेंगे सर? फ्लोटिंग अभी याद उस तरह नहीं आ रहा सर बिल्कुल। कोड मिक्स हो गया ना फिर इसका मतलब है। जी जी थोड़ा सा। सर फ्लोटिंग में एक का एडी दूसरे से बड़ा होता है ना? 1 और 5 ना। अरे भाई जरा सा बोल के कहाँ चले गए, बोले ना। हेलो जी सर। अरे ये दूसरे साहब जो बोल रहे थे कौन थे बीच में आए थे? ये कौन साहब आए थे बीच में? हेलो भाई आप ही की क्लास से मैं मुखातिब हूँ। मैं तो शिराज। आके बंदे आवाज दोना भाई। हाँ शिराज मुझे ये बताएं तो फिर ए 1 और 5 सही बोला ना उसने, एक में 1 और एक दूसरे में 5। सर वो शायद पहला बड़ा होना चाहिए ना? नहीं अगर 5 और 1 कर दें फिर यस सर फिर मे भी सही हो। मे भी सही हो। ये मे भी कब खत्म होगा सर? वो पूरी तरह रिवाइज नहीं किया अभी तक। जी नहीं गलत जवाब दे रही हैं। जिसका एडी कम होगा वो प्रेफरेबल रूट होगा। लड़की सुन लो सर, फ्लोटिंग में एक प्राइमरी और सेकेंडरी रूट होता है ना? जिसका एडी कम होता है वो प्राइमरी रूट होता है, जिसका एडी ज्यादा होता है वो सेकेंडरी रूट, वो बैकअप रूट होता है। जी हाँ बिल्कुल सर। असला मैंने जो सवाल पूछा ना, मैंने अनइक्वल कॉस्ट का पूछा है सर। अनइक्वल लोड शेयरिंग हम नहीं कर सकते सर, हम काउंट ही नहीं कर सकते और इसका कोई ऑप्शन भी नहीं होता। क्या नाम है? आसिफ। वो तो मैंने देख लिया, जो बोल रहा था वो तो मैंने सुन लिया। यासिर मुख्तार। यासिर यस सर। कोड बताएं अनइक्वल लोड बैलेंसिंग का। इक्वल का फ्लोटिंग तो सुन लिया मैंने, अब मुझे जो है वो अनइक्वल का कोड बताएं स्टैटिक में। हेलो भाई आ रही है ना आपकी आवाज मुझे? मेरी आवाज नहीं आ रही क्या आपके पास? हेलो। अच्छा इतनी देर से जो है वो आधे घंटे से पौने घंटे से मेरी आवाज सुन रहे थे, अब सवाल पूछा तो आवाज डिस्टर्ब हो गई। सर मैं बता दूं सर, नहीं यासिर से ही बात करनी है। पहले सब कुछ स्मूथ चल रहा होता है, जैसे ही सवाल पूछते हैं तो माइक भी खराब हो जाता है, इंटरनेट भी खत्म हो जाता है, लाइट भी चली जाती है। यासिर मुख्तार 3 दफा सवाल पूछ लिया, पहले तुम्हें मेरी आवाज आ रही थी, अब मैंने पूछना होता हेलो 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 कर रहे हो। सारे जो वो सवाल का ना टेम्पो सारा खराब कर देते हो। इतनी देर से सवाल सबसे पूछ रहा हूं ना, तो आप उसी के सीक्वेंस में जवाब देना मुझे। मैंने पूछा अनइक्वल कॉस्ट लोड बैलेंसिंग का कोड बता दें क्या होगा। एडी वो अनइक्वल होता है 1 और 5। ये अनइक्वल में बता रहे हैं? अच्छा जी, अब जो स्लाइड खोल के देखिएगा, बुक खोल के देखिएगा कि मैंने कैसे करवाया था आपको अनइक्वल में। जरा खोलें स्लाइड वो वाली स्टैटिक राउटिंग और मुझे बताएं कि मैंने अनइक्वल कैसे आपको करवाया था।
चलें खोलें स्लाइड आप अपनी यासिर मुख्तार ठीक है फरहान अमीन आपका आंसर भी सही है वो पहले वाले स्टूडेंट ने भी जो है वो जवाब दिया था मुझे नुमान अली नुमान अली माइक ऑन करें नुमान अली माइक ऑन करें आपकी आवाज नहीं आ रही है मुझे आपकी आवाज नहीं आ रही है मुझे कितने पाओ का कनेक्शन लिया हुआ है तुमने मोबाइल का डेटा तो मोबाइल डेटा जो है वो कौन सा यूज कर रहे हो जो तुम्हारी आवाज ही निकलनी बड़ी मुश्किल हो रही है आई नहीं रही आवाज ताहा मुनीब ताहा मुनीब माइक ऑन कर लें भाई जी यासिर मुख्तार मिला आंसर आपको आंसर देता हूँ अभी तक देखी नहीं है स्लाइड सर वो लेक्चर आगे पीछे हो रहा है तो वो स्लाइड ढूंढना मुश्किल हो रहा है एक मिनट आपको मैं जवाब देता हूँ अभी तक स्टैटिक राउटिंग का चैप्टर आप लोगों ने नहीं पढ़ा कैसे जो है वो प्रिपरेशन कर रहे हो आप ताहा दो मिनट हो गए जल्दी से जवाब दो आवाज आ रही है जी सर पूछिए क्या पूछ रहे थे आप सेम क्वेश्चन है अनइक्वल कॉस्ट लोड बैलेंसिंग कैसे होगी स्टैटिक राउटिंग में सर एक तो एडी के डिफरेंस से होती है एडमिनिस्ट्रेटिव डिस्टेंस की वजह से अनइक्वल और फ्लोटिंग फ्लोटिंग का नहीं पता इसका मतलब है ना अनइक्वल पता है ना फ्लोटिंग पता है दोनों ही नहीं पता यासिर मुख्तार क्या अक्कल बताओगे क्या हाँ ठीक है वकार ठीक है सही आंसर है स्लाइड के ऊपर लिख के दिया था
कि स्टैटिक राउटिंग में अनइक्वल कॉस्ट लोड बैलेंसिंग पॉसिबल ही नहीं है। अब स्लाइड खोलने का मौका मिले तो जो है वो बंदा पढ़े ना। और ये जो सारे रिप्लाई मुझे कर रहे हैं कि जो है अनइक्वल कॉस्ट लोड बैलेंसिंग में एडी अलग अलग कर दें, तो ये तो फ्लोटिंग स्टैटिक रूट के कोड है, ये बैकअप रूट का कोड है भाई। जो आप मुझे अनइक्वल की जो है वो कोड बता रहे हैं, अनइक्वल तो पॉसिबल ही नहीं है स्टैटिक राउटिंग। वर्जन वन में भी जो है वो इक्वल कॉस्ट लोड बैलेंसिंग पॉसिबल है, अनइक्वल कॉस्ट लोड बैलेंसिंग पॉसिबल नहीं है ट्रिप में। ये भी देख लें स्लाइड में लिखा हुआ, जिस तरह से स्टैटिक राउटिंग के बारे में लिखा हुआ है। हम पीछे पढ़ चुके हैं कि क्लासफुल राउटिंग प्रोटोकॉल क्या होते हैं, और रिप वर्जन वन क्लासफुल राउटिंग प्रोटोकॉल है। देयर इज नो प्रोविजन टू रिप टू एडवर्टाइज अ सबनेट मास्क अलोंग विद ईच रूट एंट्री। और हमने ये भी डिस्कस किया शुरू में कि ये जो है वो डिस्टेंस वेक्टर राउटिंग प्रोटोकॉल है, जिस वजह से इसका जो है वो टाइम पीरियड कोई फिक्स्ड होगा। जो डिफॉल्ट टाइम पीरियड बताया हुआ है वो 30 सेकेंड है। हम टाइमर बेसिक की कमांड से ये डिफॉल्ट टाइम चेंज कर सकते हैं, हमारी मर्जी है इसको 25 कर दें, हमारी मर्जी है 35 कर दें, बहरहाल डिफॉल्ट टाइम जो है 30 सेकेंड है। हर राउटर जो राउटिंग टेबल है अपने नेबर राउटर को 30 सेकंड के बाद अपडेट करेगा, हर 30 सेकंड के बाद, चाहे टोपोलॉजी में चेंज आया है या नहीं चेंज आया, हर सूरत में 30 सेकंड के बाद अपडेट अपने नेबर राउटर्स को पास करता रहेगा। फिर उसके बाद हम कहते हैं डायनेमिक राउटिंग प्रोटोकॉल है, तो डायनेमिक राउटिंग प्रोटोकॉल में बेस्ट रूट राउटर हमेशा खुद सिलेक्ट करेगा। स्टैटिक राउटिंग में हमने उसको बताया था कि ये वाला रूट सिलेक्ट करो, हर डेस्टिनेशन के बारे में बताया था। डायनेमिक राउटिंग में हमें बताने की जरूरत नहीं होगी, राउटिंग अपडेट से जो है वो राउटर जो है वो उसका टेबल अपडेट होता रहेगा, और वो राउटर जो है वो इतना काबिल होगा कि वो बेस्ट रूट सिलेक्ट कर सके, ऑप्टिमल रूट सिलेक्ट कर सके। पैरामीटर क्या होगा? होप काउंट। अब किसी भी डेस्टिनेशन पे जाने के लिए उसको ये देखना है कि मुझे कम से कम होप किधर से मिल रहा है, कम से कम राउटर कहाँ से मिल रहा है। अगर एक डेस्टिनेशन पे जाने के लिए 3 रास्ते हैं उसके पास, एक तरफ से अपडेट उसके पास आई हुई है 2 होप अवे, दूसरी तरफ से अपडेट उसको मिली है 4 होप अवे, तीसरी तरफ से अपडेट उसको मिली है 6 होप अवे। तो उसी डेस्टिनेशन पे जाने के लिए उसके पास 3 इंफॉर्मेशन आ गई है, 2 होप अवे, 4 होप अवे, 6 होप अवे। तो जो राउटिंग टेबल में अपडेट करेगा वो 2 होप अवे वाले को जो है वो अपडेट करेगा, क्योंकि रिप प्रोटोकॉल के एल्गोरिथम में लिखा हुआ है कि ये होप काउंट को कंसीडर करते हुए बेस्ट रूट सेलेक्ट करेगा, और किसी पैरामीटर को कंसीडर नहीं करेगा कभी भी, ना बैंडविड्थ, ना डिले, ना लोड, ना रिलायबिलिटी, ना MTU, किसी भी पैरामीटर को कंसीडर नहीं करेगा, सिर्फ और सिर्फ होप काउंट के बेस पे बेस्ट रूट सेलेक्ट करेगा। मैक्सिमम ट्रांसमिशन यूनिट है, डायनेमिक राउटिंग के चैप्टर में लिखा हुआ होगा, चैप्टर 4 में DCN की स्लाइड में भी लिखा होगा MTU के बारे में, तो कितने राउटर जो है वो कितने पैकेट जो है वो भेज सकता है, मैक्सिमम ये MTU होता है। तो रिप में याद रखें कि रिप वर्जन 1 है, तो उसमें होप काउंट के बेस पे राउटर बेस्ट पास सेलेक्ट कर रहा होगा, जहां से उसको कम राउटर नजर आ रहे होंगे पैकेट वहीं से जा रहा होगा। अगर वो लिंक फेल होता है तो फिर दोबारा कंपेयर करेगा, तो उसके पास जो अपडेट मौजूद है इंफॉर्मेशन 4 और 6 की है, तो अब पैकेट 4 वाले से जाना शुरू हो जाएंगे। अगर ये लिंक भी फेल हो जाता है तो अब उसके पास सिर्फ एक ही रूट बचा है जो 6 होप अवे,
तो पैकेट वहां से जाना शुरू हो जाएंगे। अगर जो है पिछले वाले इंटरफेसेस जो है वो 4 hop away वाला या 2 hop away वाला रूट दोबारा एक्टिव हो जाता है तो फिर दोबारा राउटर जो है वो कंपेयर करेगा और लिस्ट वाले को दोबारा राउटिंग टेबल में अपडेट करता रहेगा। तो जैसे जैसे राउटर से अपडेट मिलती रहेगी नेबर से, राउटर जो है वो राउटिंग टेबल अपना अपडेट करता रहेगा। जी जनाब, जो स्टैटिक राउटिंग में राउटिंग टेबल था बिल्कुल वैसा ही राउटिंग टेबल हमें यहां पर भी नजर आ रहा है। जो माइनर सी चेंजेस हैं वो प्रोटोकॉल की वजह से हैं, वैसे प्रोटोकॉल जो है जो राउटिंग टेबल था वैसे ही जो है हमें शो हो रहा है। इंफॉर्मेशन जो हमारे पास है वो ये इंफॉर्मेशन है, एक्चुअल इंफॉर्मेशन जो होती है। ऊपर वाली जो इन्फॉर्मेशन है वो जनरल इन्फॉर्मेशन है, हर जगह पर जो है वो कॉमन यही नजर आ रही होगी। कोई भी प्रोटोकॉल आप अगर डिस्प्ले करेंगे इसमें देखें, हमारे पास अगर स्टैटिक राउटिंग का टेबल था तो उसके अंदर हमें कुछ जगहों पर एस नजर आ रहा था और कुछ जगहों पर हमें सी नजर आ रहा था फर्स्ट कॉलम में, लेकिन अब मुझे एस कहीं लिखा हुआ नजर नहीं आ रहा। अब कुछ जगहों पर आर है और कुछ जगहों पर सी लिखा हुआ है, तो ये प्रोटोकॉल का डिफरेंस है। क्योंकि हम कह रहे हैं कि जैसे जैसे प्रोटोकॉल चेंज होता रहेगा ये वैल्यूज जो है वो चेंज होती रहेंगी। तो अब आर का मतलब क्या है ये देख लें, इसके अंदर इंफॉर्मेशन जनरल इंफॉर्मेशन दी हुई है। तो यहां पर जो है वो कह रहा है कि आर का मतलब है रिप प्रोटोकॉल कंफिगर होगा। जिस नेटवर्क के सामने आर लिखा होगा वो प्रोटोकॉल रिप प्रोटोकॉल कंफिगर होगा। तो इसका मतलब यह है कि जहां जहां आर लिखा हुआ है, फॉर एग्जाम्पल ये इस नेटवर्क पे 10.10.0.0 पर रिप प्रोटोकॉल कंफिगर है, इधर भी आर लिखा हुआ है, बहुत सारी जगहों पर आर लिखा हुआ। और सी का मतलब क्या है फरहान अमीन? सी सी डायरेक्टली कनेक्टेड है सर ये सी। जी, तो इसका मतलब ये हुआ कि राउटिंग टेबल को अगर हम देखें तो जहां पर सी लिखा हुआ है वो उस राउटर से, जिस राउटर के ऊपर हमने शो आईपी रूट की कमांड लिखी है उससे डायरेक्टली कनेक्टेड नेटवर्क्स हैं, और जहां पर आर लिखा हुआ है ये वो तमाम नेटवर्क्स हैं जो उस राउटर से इनडायरेक्टली कनेक्टेड है। तो आर जहां पर लिखा हुआ है वो इनडायरेक्टली कनेक्टेड हो गए और एस और सी जो है वो डायरेक्टली कनेक्टेड हो गए। अच्छा जी, अब उसके बाद अगर हम देखें यहाँ पर ये डिसाइड हो गया कि इस पर रिप प्रोटोकॉल कॉन्फ़िगर है, किस नेटवर्क पे? 10 नेटवर्क पे, बिल्कुल वैसे ही लिखा हुआ है जैसे स्टैटिक में था। यहाँ पर लिखा हुआ है ब्रैकेट के अंदर 120/3। स्टैटिक राउटिंग में हमने देखा था कि यहाँ पर स्लैश से पहले 1 लिखा हुआ था और स्लैश के बाद जो है वो हमेशा देखा हमने 0 लिखा हुआ नजर आया, 0 के अलावा कुछ भी नजर नहीं आया था। लेकिन अब जो है वो इसके अंदर लिखा हुआ है 120 और स्लैश के बाद लिखा हुआ है 3। तो ये नोट करें कि स्टैटिक राउटिंग जब भी होगा तो उसका डिफॉल्ट एडमिनिस्ट्रेटिव डिस्टेंस हमने बहुत दफा बोला था कि वो 1 है। तो इसी तरह से जब अगर रिप प्रोटोकॉल कॉन्फ़िगर होगा किसी नेटवर्क पर या किसी राउटर के ऊपर हमने रिप प्रोटोकॉल कॉन्फ़िगर कर दिया तो उसका डिफॉल्ट एडमिनिस्ट्रेटिव डिस्टेंस 120 होगा। हर प्रोटोकॉल का एडी अलग अलग होता है, उसका डिफॉल्ट वैल्यू जो है उसके राउटिंग टेबल में नजर आ रही होती है। तो ये 120 ये डिफॉल्ट वैल्यू है 120, और स्लैश के बाद जो 3 लिखा हुआ है हमने अभी अभी पीछे देखा कि राउटर जो है वो बेस्ट पाथ होप काउंट के बेसिस पे ले रहा होगा। तो यहाँ पर हमने उस दिन बताया था जब हम स्टैटिक राउटिंग कर रहे थे, जब हम डायनेमिक राउटिंग प्रोटोकॉल का चैप्टर पढ़ रहे थे, तो उसके अंदर लिखा था स्लैश के बाद जो पैरामीटर होता है वो मैट्रिक होता है। तो मैट्रिक बैंडविड्थ हो सकता है, डिले, लोड, रिलायबिलिटी, एमटीयू या फिर होप काउंट हो सकता है। तो यहां पर क्योंकि ये रिप प्रोटोकॉल कॉन्फ़िगर है तो ये होप काउंट के अलावा कोई दूसरी चीज हो नहीं सकती। तो 3 का मतलब ये हुआ कि इस राउटर से ये वाला नेटवर्क जो हमने अभी हाईलाइट किया हुआ है ये नेटवर्क 3 होप अवे है, 3 राउटर अवे। नेक्स्ट होप क्या है? वाया रूट लिखा हुआ है जैसे स्टैटिक राउटिंग में लिखा था। स्टैटिक राउटिंग में एडमिनिस्ट्रेटर ने लिखा था कि नेक्स्ट होप कौन सा होगा,
यहाँ पर डायनेमिक राउटिंग में राउटर ऑप्टिमल रूट सेलेक्ट करने के बाद बताएगा कि बेस्ट रूट उसके लिए कौन सा आ रहा है, नेक्स्ट होप कौन सा आ रहा है, तो ये उसके बेसिस पर राउटर जो है वो अपडेट करेगा, हमें देने की अब जरूरत नहीं हो। यहाँ पर टाइम पीरियड बता रहा है कितनी देर में वो पहुंचेगा, और जो है इंटरफेस बता रहा है नेक्स्ट इंटरफेस है कौन सा, जिस तरफ से पैकेट को जा रहा है। राउटर के कुछ इंटरफेसेस ईथरनेट हो सकते हैं, सीरियल हो सकते हैं, टोकनिंग हो सकते हैं, FDDI मतलब फाइबर ऑप्टिक हो सकता है। तो जो लिंक होगा जिस तरफ से पैकेट जाना है उसका इंटरफेस जो है वो मेंशन किया होगा। नहीं जी, टाइम पीरियड जो है वो उसमें मेंशन नहीं होता कि कितने टाइम पीरियड के अंदर जो है वो अपडेट करेगा, वो प्रोटोकॉल के अंदर एल्गोरिथम में लिखा हुआ है, राउटिंग टेबल में नजर नहीं आता। दूसरी कमांड्स और बहुत सारी हैं जिसके अंदर जो है वो शो प्रोटोकॉल का नाम हम दे सकते हैं, शो आईपी प्रोटोकॉल की नाम हम बता सकते हैं, तो इस तरह की कमांड्स मौजूद हैं जिसमें फर्दर डिटेल्स आ रही होती हैं। ये राउटिंग टेबल है तो रूट के बारे में डिफाइन कर रहा होता है। बहुत सारी चीजें हैं जो थ्योरी में मौजूद हैं, हमने पढ़ी हैं, वो जो है उस राउटिंग टेबल में मौजूद नहीं है। तो और बहुत सारी कमांड्स हैं जिसके थ्रू हम जो है वो फर्दर जो है वो इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। वासिफ अलीम, वासिफ अलीम ये जो फर्स्ट लाइन लिखी है जिसको मैं हाईलाइट कर रहा हूं, इसका क्या मीनिंग है? ये जो आईपी एड्रेस है, ये सब आईपी है, आईपी एड्रेस नहीं है मोहतरम, नेटवर्क एड्रेस है। आप नेटवर्क एड्रेस जो है ये सबनेटेड है, 9 सबनेट्स सबनेटेड है। और भी कुछ लिखा होता है कभी कभार? सिर्फ सबनेटेड लिखा होगा जी, वेरिएबली सबनेटेड नहीं लिखा होगा क्या? वेरिएबली सबनेटेड नहीं, नहीं लिखा हो? नहीं। असाइनमेंट सबमिट कराया था जी, तो इसका मतलब असाइनमेंट गलत सॉल्व किया ना आपने। उसमें थे वेरिएबली सबनेटेड थे, और लिखना था वहां पे वेरिएबली सबनेटेड। अगर आप जो है वो स्टैटिक राउटिंग को बोल के देख लें, उसकी स्लाइड पढ़कर सुन लें, देखने की बात तो छोड़ दें, उसको सुन लें, वहां पर मैंने लिखा हुआ है, बताया हुआ है कि सबनेटेड और वेरिएबली सबनेटेड का क्या फर्क है। हमने जो है वो सबनेटिंग की हुई है दो तरह से, एक फिक्स लेंथ सबनेटिंग और एक वेरिएबल लेंथ सबनेटिंग, ये दो तरह की सबनेटिंग हमने की पड़ी हुई। जहां अगर मुझे हर नेटवर्क को जो है वो इक्वल होस्ट रखने हैं तो फिर वो फिक्स लेंथ सबनेटिंग होती है, लेकिन अगर मुझे मुख्तलिफ नेटवर्क पे मुख्तलिफ होस्ट की क्वांटिटी रखनी है तो फिर वो वेरिएबली सबनेटेड होता है। बहुत पुरानी बात है, आपको DCN के टीचर ने पढ़ाया होगा, मैंने भी इस कोर्स की पहली क्लास में ही पढ़ाया था। यहाँ पे लिखा है कि नीचे जो तफसील मौजूद है वो 10 नेटवर्क के बारे में है, और उनका जो नेटवर्क जो मास दिया हुआ है वो 16 बिट का है। तो मुझे कंफर्म तो हो गया ना कि ये सबनेटेड है, और जब मास जो है वो ऊपर लिखा हुआ होगा यहां पर नेटवर्क के साथ ही, तो फिर जो है फिक्स लेंथ सबनेटिंग होगी। नीचे आप देख ले कहीं पर भी मास्क नहीं लिखा हुआ, यहां तक जितना मैंने हाईलाइट किया इसकी बात कर रहा हूं, कहीं पर भी मास्क नहीं लिखा हुआ इस एरिया में। तो नेटवर्क लिखा हुआ है और उसका मास्क नहीं लिखा हुआ, ये कैसे हो सकता है? तो कह रहा है इन सब का कॉमन मास्क है वो ये मास्क यहाँ पर लाइन में लिखा हुआ है 255.255.0.0, सबका कॉमन मास्क है। और फिर आगे उसने बता भी दिया कि सबनेटिंग है क्योंकि क्लास ए की आईपी है और 16 बिट के साथ है तो सबनेटेड हो गया। कितने सबनेट है? 9 सबनेट है, और वो 9 सबनेट की डिटेल यहां पर
इस जगह तक दे भी रहा है, काउंट कर सकते हैं 9 सबनेट्स है। उसके बाद वो कह रहा है कि इस राउटर के पास और भी इंफॉर्मेशन है फर्दर दूसरे नेटवर्क्स के बारे में, वो कौन सा नेटवर्क है, वो ये रहा नेटवर्क 172.25.0.0। उसका मास्क कितना है, 24 बिट का मास्क है। इस सबनेटेड, इसका मतलब है ये भी फिक्स लेंथ है, कितने सबनेट है, 3 नीचे दिए हैं। जिन लोगों को ये टेबल नहीं पढ़ना अभी तक आया, वो अपना प्रोजेक्ट ही बना सकते, ये बता दो। ये राउटिंग टेबल ही है जो कि आपको ट्रबल शूट करके देगा आपके टोपोलॉजी के अंदर प्रोजेक्ट जो आप बना रहे हैं, नहीं तो आपको पता ही नहीं चल पाएगा कि एरर है कहां पर, गलती किधर हो रही है, किस जगह पर डिस्कनेक्ट है, कौन सा नेटवर्क अवेलेबल नहीं है, ये राउटिंग टेबल ही बताता है। बाकी ऊपर वाली इंफॉर्मेशन मैंने कहा वो जनरल इंफॉर्मेशन है, हर जगह पर मौजूद होगी, हर राउटिंग टेबल में मौजूद होगी, ये इंफॉर्मेशन कॉमन होगी। सर एक सवाल था जी, पूछे सर, ये जब हम रिवर्जन 1 कर रहे होते हैं तो इसके अंदर हम मेजर नेटवर्क बताते हैं ना, तो उसका कॉन्सेप्ट बता दीजिएगा कि सिर्फ मेजर नेटवर्क ही क्यों बताते हैं, जैसे कि ये सारे 10.10 का मेजर नेटवर्क है, जब उसके अंदर राउटर रिप करते हैं, जब हम राउटर के अंदर चले जाते हैं तो उसके बाद जो आपका नेटवर्क के बाद जो हम उसकी नेटवर्क एड्रेस दे रहे होते हैं उसका उसका पूछना था। स्लाइड आई नहीं है अभी कॉन्फ़िगरेशन की तरफ, तो मैं आगे अभी करवा रहा हूं। अच्छा जी, जब हम रिप प्रोटोकॉल की बात कर रहे हैं तो उसमें ये कह रहा है कि जो राउटर अपडेट करता है अपने नेबर राउटर को, तो नेट सबनेट की डिटेल नहीं भेजता बल्कि समराइज करके सेंड कर रहा होता है। कैसे, वो कह रहा है कि जो है राउटर के लेफ्ट साइड पर बहुत सारे नेटवर्क्स मौजूद हैं, ये उसकी सारी तफसील है। लेकिन अगर आप देखें तो उसमें से जो कॉमन नेटवर्क है वो पहले 3 ऑक्टेट है, 192.168.115, क्योंकि ये आईपी क्लास सी की है, इस वजह से 24 बिट जो है इसकी कॉमन होंगे, नजर भी आ रहा है। बाकी सारे के सारे सबनेट्स हैं, 132 है, 64 है, 96 है, 168 है, 192 है, 224 है, ये सारे के सारे सबनेट्स हैं। इसका मेजर नेटवर्क सबका जो है वो कॉमन 24 बिट का नजर आ रहा है, 192.168.115.0, ये कॉमन नेटवर्क है। तो कह रहा है कि रिप प्रोटोकॉल के अंदर जब राउटर अपने नेबर राउटर जो राइट साइड पर होगा कोई राउटर उसको अपडेट करेगा, तो वो सिर्फ इतनी इंफॉर्मेशन देगा कि मेरे लेफ्ट साइड पर 192.168.115.0 नेटवर्क है। जब ये बता देता है तो उसका मतलब ये है कि आप पूरी आईपी की जो है वो इंफॉर्मेशन नेबर राउटर को चली गई, डॉट 1 से लेकर डॉट 254 तक तमाम आईपी की इंफॉर्मेशन जो है वो राइट साइड पे जो नेबर राउटर है उसके पास चली गई कि ये तमाम की तमाम आईपी जो है वो इस तरफ मौजूद होंगी। तो ये समरी है, पूरी समराइज करके इंफॉर्मेशन जो है वो नेबर राउटर को सेंड कर देता है। इसी तरह से राउटर के राइट साइड पर भी बहुत सारे नेटवर्क्स मौजूद हैं, क्योंकि तमाम का फर्स्ट ऑक्टेट 10 नजर आ रहा है मुझे, और क्योंकि ये क्लास ए की आईपी है तो इसका कॉमन नेटवर्क तो 10.000 हो गया। आगे सबनेट जो है वो अलग अलग हैं, किसी का जो है वो 10.10 है, किसी का जो है 10.15 है, किसी का 83 है, किसी का 97 है, तो सारे के सारे अलग अलग सबनेट्स हैं। लेकिन जब ये राउटर अगर इस पर रिप प्रोटोकॉल कॉन्फ़िगर हुआ है तो जो लेफ्ट साइड पर नेबर राउटर होगा उसको जब अपडेट करेगा तो सिर्फ इतना बता देगा कि मेरे राइट साइड पर 10.000 नेटवर्क है,
तब उसका मतलब ये हो गया कि 10.001 से लेकर 10.255.255.255 तमाम की तमाम आईपीज जो है वो राइट साइड पे मौजूद है। तो कभी भी सबनेट की डिटेल नहीं भेजेगा बल्कि समराइज करके अपडेट कर रहा होगा नेबर आउटर। अच्छा जी, अब हम कॉन्फ़िगरेशन की तरफ आ रहे हैं कि स्टैटिक राउटिंग रिप की कॉन्फ़िगरेशन कैसे होती है। हम ये कह रहे हैं कि हम जो है वो स्टैटिक राउटिंग जब राउटर्स पे कॉन्फ़िगर करते थे, सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये आता था कि जब टोपोलॉजी चेंज होती थी तो हमें कॉन्फ़िगरेशन भी तमाम राउटर्स पे चेंज करनी पड़ रही होती थी। तो इस वजह से हम जो है वो मीडियम और लार्ज नेटवर्क के ऊपर स्टैटिक राउटिंग कॉन्फ़िगर कर ही नहीं पाते थे। एक मर्तबा हिम्मत करके तमाम राउटर्स को कॉन्फ़िगर कर दिया, लेकिन जब टोपोलॉजी चेंज हो रही होती थी तो फिर दोबारा एडमिनिस्ट्रेटर को बार बार उसको चेंज करना पड़ता था। तो रियल लाइफ में तो टोपोलॉजी बार बार चेंज हो रही होती है, इसलिए स्टैटिक राउटिंग पॉसिबल ही नहीं है मीडियम और लार्ज नेटवर्क में। अच्छा, ये मीटिंग डिस्कनेक्ट होगी तो हम ले लेंगे 15 मिनट का ब्रेक ले लेंगे, फिर दोबारा कनेक्ट करें, फिर ये टॉपिक भी बड़ा है तो स्टैटिक के साथ भी कंपेयर करना है। तो मीटिंग अभी ख़त्म हो रही है तो फिर हम जो है रिकनेक्ट 15 मिनट बाद रिकनेक्ट करेंगे। अच्छा, होता ये है कि जब हम डायनेमिक राउटिंग की बात करते हैं तो डायनेमिक राउटिंग के अंदर हमने कहा कि पीरियोडिक अपडेट्स आ रही होती है। तो जो भी चेंज किसी भी राउटर की तरफ हो रहा होगा तो वो राउटर जो है वो रिस्पॉन्सिबल होता है कि अपने तमाम नेबर्स को अपडेट करे। जैसे अगर कोई चेंज आता है ओपेल पे तो ओपेल अपडेट करेगा पीरियोडिक अपडेट एनडी को, और एनडी जो है वो अपने पीरियोडिक अपडेट में अपडेट करेगा गूगल को और बार्नी को, और बार्नी के पास जो है वो तमाम अपडेट आ चुकी होगी। एनडी के पास भी आ गई, गूगल के पास भी आ गई, ओपेल के पास भी आ गई, तो अपडेट जो है थोड़ी देर बाद हर एक के पास जो शिफ्ट हो जाती है। ये अपडेट का कॉन्सेप्ट स्टैटिक राउटिंग में था ही नहीं, स्टैटिक राउटिंग में कभी भी अपडेट नहीं जा रही होती, इसलिए उनके अंदर प्रॉब्लम था कि वो हमेशा जो है वो एडमिनिस्ट्रेटर को ही बार बार चेंज करना।